अशोक वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के संदर्भ में डिस्कशन कर रहे थे और उसमें हमने ये देखा था कि विभिन्न प्रकार के जो महाद्वीप आज हमें दिख रहे हैं वो किस तरह से कार्बोनिफेरस काल से शुरू हुए और धीरे 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 प्रेजेंट एज में आके विभिन्न प्रकार के महाद्वीपों के रूप में अस्तित्व में आए। और जब ये महाद्वीप विस्थापित हो रहे थे, अपनी जगहों से स्थानांतरित हो रहे थे, तो बहुत सारी घटनाएं घटित हुई, जिसमें हमने ये देखा था कि अंडमान सागर का निर्माण कैसे हुआ, यानी उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका जब पश्चिम की तरफ मूव किए तो उनके जगह पे फिर अंडमान सागर बना, बीच का जो गैप था। उसी तरह से जब अफ्रीका, यूरेशिया और इंडिया का जो कुछ पार्ट था वो जब उत्तर की तरफ गया तो इंडियन ओशन का निर्माण हुआ, हिंद महासागर का निर्माण हुआ। साथ ही साथ हमने ये देखा था कि खास तौर से ये जो वेस्टर्न कॉर्डिलेराज हैं अमेरिका के, रॉकीज और एंडीज, इनका निर्माण भी ये कहा गया, वेगनर ने कहा कि जब उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की तरफ मूव कर रहे थे तो उसकी वजह से जो सीमा का घर्षण था, रुकाव था, अवरोध था, वो सियाल पर लगा और जिसकी वजह से जो पश्चिमी किनारे थे वो धीरे 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 ऊपर उठने लगे और इन पर्वतों का निर्माण हुआ। जैसे आप इस मानचित्र में देखें, ये मानचित्र से आपको हमने कल डिस्कशन किया था कि जब ये महाद्वीप यहाँ से निकल के पश्चिम की तरफ विस्थापित हो रहे थे तो अंदर जो है ये सियाल परत महाद्वीपों की और नीचे की जो सीमा परत थी, तो वेगनर ने फिर ये कहा कि सीमा परत के घर्षण से, अवरोध से ये जो पश्चिमी किनारे थे इन पर दबाव पड़ा और धीरे 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 ये उठने लगे। इस तरह से ये रॉकीज और एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ, ये हमने कल बात की थी। ठीक इसी तरह से हमने एक बात और की थी कि अगर आप देखें कि विश्व के अन्य पर्वत श्रेणी भी, हमने अल्पाइन रेंजेस की भी बात की थी कि अल्पाइन रेंजेस का निर्माण कैसे हुआ, कि जो अल्पाइन पर्वत श्रेणियां हैं वो पूर्व की जो टेथिस भूसन्न तिथि उसमें जमे हुए औसादों पर, जब इधर से यूरेशिया और अफ्रीका और पेनिनसुलर इंडिया जब इक्वेटर वर्ड मूवमेंट कर रहे थे तब उस पर दबाव पड़ा तो बीच का जमा हुआ मटेरियल ऊपर की तरफ आ गया और इस तरह से अल्पाइन पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ, जिसको हमने इस मानचित्र में देखा था कि ये पूरा हिस्सा यहाँ हिमालय पर्वत से लेके ये सारा का सारा आल्प्स और एटलस पर्वत, ये पूरा वही जगह है जहाँ अल्पाइन पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। हमने कल ये भी बात की थी कि ये यूरोप और अफ्रीका के बीच का जो बचा हुआ ये हिस्सा है जिसको हम मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर कहते हैं, ये भूमध्य सागर उसी तत्कालीन टेथिस सागर, टेथिस भूसन्नति या टेथिस सागर का ही अवशेष है। इस तरह से ये बातें हमने की थी। पर इसके साथ साथ बहुत सारे और निर्माण हुए जब ये स्थल भूभाग अपनी जगह से विस्थापित हो रहे थे, खासतौर से आइलैंड आर्क्स डीपी चार्ट जिसे हम कहते हैं और फेस्टूंस ऑफ ईस्टर्न एशिया वेयर फॉर्म ड्यू टू द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द एशियाटिक ब्लॉक्स कूडंट कीप पेस विद द वेस्टर्न मूविंग मेजर लैंड मास एंड लैग बिहाइंड। हम मानचित्र में अगर देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो है एशिया का ये जो पूरा ईस्टर्न भाग है, ये फिलीपीन और जापान वापान का ये पूरा हिस्सा, यहाँ कुरील आइलैंड से लेके ये पूरा का पूरा, इसे हम कहते हैं द्वीपीय चाप। तो ये कहा वेगनर ने कि जब ये पूरा ब्लॉक पश्चिम की तरफ मूव कर रहा था, एशिया का बड़ा ब्लॉक, तो उसके साथ कुछ छोटे छोटे टुकड़े इसका साथ नहीं दे सके, जिस गति से ये मूव कर रहा था उस गति से ये वाले हिस्से मूव नहीं कर सके, तो क्या हुआ, पीछे छूट गए। तो पीछे छूट गए तो ऐसा लगता है अगर इनको इसके एक साथ मिलाएं, ये सारा भी एक साथ मिल जाएगा, तो ऐसा लगता है कि ये सारे जो आइलैंड आर्क्स हैं वो इसी एशियाटिक महाद्वीप के हिस्से हैं। पर जिस गति से एशिया महाद्वीप पश्चिम की तरफ मूव कर रहा था, बड़ा सा ब्लॉक लैंड मास, उसका साथ ये छोटे छोटे हिस्से नहीं दे पाए और नतीजा ये हुआ कि ये पीछे छूट गए। इस पीछे छूटने की वजह से यहाँ आइलैंड आर्क बन गया, चाप बन गई थी। इसी तरह से अगर हम अंध महासागर में देखें, ये जो हिस्सा है कैरेबियन सी के आसपास का पूरा वेस्ट इंडीज का, तो वेगनर ने यह कहा कि ठीक उसी तरह से जैसे एशियाटिक ब्लॉक पश्चिम की तरफ जब खिसक रहा था तो ये हिस्से उसका साथ नहीं दे पाए और एक चाप की शक्ल में किसके द्वीपों के चाप के रूप में पीछे छूट गए, ठीक उसी तरह से बहुत सारे द्वीप इस कैरेबियन सी के आसपास, खासतौर से वेस्ट इंडीज का जो हिस्सा है, ये द्वीप, उन द्वीपों का भी निर्माण उसी तरह से हुआ। और ये कहा कि जब उत्तरी अमेरिका पश्चिम की तरफ जा रहा था या दक्षिणी अमेरिका, तो इस अमरीकी ब्लॉक के साथ बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे महाद्वीपीय हिस्से थे टुकड़े, जो इनकी गति के साथ उनके साथ प्रवाहित नहीं हो सके,
परिणाम स्वरूप ये पीछे छूट गए और इस तरह से इन छोटे छोटे द्वीपों का भी निर्माण हुआ। जैसे आप यहाँ देखें, यहाँ लिखा हुआ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका वेयर मूविंग वेस्टवर्ड, सम पोर्शन वेयर लेफ्ट बिहाइंड, कुछ हिस्से पीछे छूट गए, एंड द आइलैंड आर्स ऑफ वेस्ट इंडीज एंड सदर्न एंटाइल्स वेयर फॉर्म। तो वेस्ट इंडीज और सदर्न एंटाइल्स जो है इनका निर्माण इसी तरह से हुआ जिस तरह से इस प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे पर यानी एशिया महाद्वीप के पूर्वी तटों के आसपास जापान वगैरह कोरिया वगैरह द्वीपों का निर्माण हुआ, ठीक उसी तरह से इन द्वीपों के निर्माण के लिए भी वेगनर ने यह कहा कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की तरफ जब प्रवाहित हो रहे थे तो कुछ हिस्से इनका साथ नहीं दे सके, परिणाम स्वरूप वेस्ट इंडीज और एंटाइल्स जैसे द्वीपों का निर्माण हुआ। तो इस पूरे डिस्कशन में हम लोगों ने क्या देखा कि महाद्वीपों की स्थिति तो निर्धारित की ही वेगनर ने के पश्चिम की तरफ और इक्वेटर वर्ल्ड की तरफ इनकी मूवमेंट हुई, साथ ही साथ ये भी कहा कि ये बीच में जो एस शेप का हमारा अंध महासागर है ये भी निर्मित हुआ, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ से टुकड़े हो गए अलग होता गया वैसे वैसे जो पंथलासा महासागर था उसका पानी इस बीच में आता गया और जिसकी वजह से ये महासागर बन गया जिसको हम अंध महासागर कहते हैं। हाँ, इतना जरूर कहा गया कि ये एस के आकार का क्यों है, ये कहा जाता है कि इनका जो मूवमेंट था, डिस्प्लेसमेंट था उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का, इनकी गति में डिफरेंस था, तो कुछ हिस्सा जो है वो तेज गति से गया, कुछ हिस्सा धीमी गति से गया, जैसे ये वाला हिस्सा तो यहाँ ज्यादा गैप आ गया, ये हिस्सा कम गया तो यहाँ कम गैप आया। ये कहा गया कि रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो अलग अलग था जिसकी वजह से ये एस आकार का अंध महासागर का निर्माण हुआ, और ये भी कहा बाकी जो पंथलासा महासागर था उसका पानी ये जो प्रशांत महासागर है उसके रूप में आज वर्तमान में हमें वो दिख रहा है, ये उसी कार्बोनिफरस काल के पंथलासा महासागर का अवशेष है। फिर हमने और देखा कि इस राकीस पर्वत श्रेणियों का बहुत अच्छी तरह से निर्माण उन्होंने बताया और अल्पाइन पर्वत श्रेणियों का भी निर्माण वेगनर ने बताया कि कितनी आसानी से हुआ। इसके साथ साथ कुछ द्वीपीय चाप और चाहे वो यहाँ वेस्ट इंडीज वाले हों चाहे ये जापान कोरिल और फिलीपाइंस के आइलैंड हो, इनका भी निर्माण इसी प्रक्रिया के अधीन हुआ। तो इस तरह से वेगनर ने अपने सिद्धांत को जिसको हम विस्थापन महाद्वीपों का विस्थापन सिद्धांत कहते हैं उसको कहा कि इस तरह से जब ये महाद्वीप स्थापित हुए तो विभिन्न प्रकार के अन्य स्थलाकृतियों का यानी पर्वतों का और महासागरों का सागरों का द्वीपों का भी निर्माण इस प्रक्रिया के द्वारा हुआ। तो ये बातें थी उसके पूरे सिद्धांत के बेसिक रूप की और ड्रिफ्टिंग की कि कैसे डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या क्या हुआ। अब लोग माने इसको कैसे, लोग माने इसको कैसे, तो जाहिर है उसके लिए लोगों ने कहा भी प्रमाण, तो प्रमाण बहुत सारे एविडेंस जो वेगनर ने इस चीज के लिए प्रस्तुत किया जिन प्रमाणों की बात हम डिटेल में कल आपसे डिस्कस करेंगे।